नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, सऊदी अरबिया की भैया ज्यादातर, क्योंकि दुबई का तो सब लोगों को लगभग पता ही है, बाकी कोई नया अपडेट इतना नहीं आ रहा है। अपडेट उन कंट्रियों के ज्यादा आते हैं जो सिस्टम बंद कर रखे हैं, जैसे कुवैत का, सऊदी अरबिया का, इनका। तो आज हम बात करें सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, देखिए सऊदी अरबिया बहुत सारे वर्कर हैं जो इंडिया छुट्टी आ चुके थे, आप लोगों को सबको पता है, जो मार्च से पहले आए थे, जनवरी फरवरी तब से लेके यहीं तक बैठे हैं। बहुत सारे दुनिया के वीजा एक्सपायर हो गए, वो नहीं जा सकते। लेकिन जो इनके वीजा अभी टाइम बढ़ा था, सरकार ने वीजा भी बढ़ा रहा था, आपको सबको पता ही, अखामा में टाइम बढ़ गया था। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी अरबिया के लिए नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने तोड़ निकाल के यहाँ से दुबई जा रहे हैं। दुबई में 14 दिन रुकने के बाद वो लोग सऊदी पहुंच रहे हैं। जी हाँ, खर्चा ज्यादा, रिस्क लेके पहुंच रहे हैं। फिर भी लोगों में अफवाह फैल रही है कि वो कंपनी आपको मना कर रही है कि आप इधर से आते हैं दुबई देके तो हम आपको काम पे नहीं रखेंगे, जॉब पे नहीं रखेंगे। तो इसका माजरा क्या है, इससे हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको पता है भाई, बहुत सारे लोग मुझे भी दुबई में ऐसे मिले थे जो सऊदी अरबिया जाने के लिए यहाँ से दुबई से चूज कर रहे हैं। दुबई में 14 दिन उनको क्वारंटाइन रहना है, ठीक है, फिर वो सऊदी अरबिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब कितना महंगा पड़ रहा है भाई, सऊदी यहाँ से दुबई का टिकट सस्ता है, 10-12 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन फिर दुबई से सऊदी अरबिया कोई जाओगे तो टिकट 3 से 4 गुना ज्यादा महंगा है। फिर 14 दिन आप दुबई में रुकोगे तो आपको अलग से रूम लेना पड़ेगा या होटल में रुकोगे, ठीक है, वो हालांकि एक पैकेज मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, जिनको एक पैकेज मिल रहा है भाई 50-60-70 हज़ार रुपए महीने का, हम आपका 50-60 हज़ार रुपए लेंगे, उसमें 14-15 दिन का टूर होगा, यहाँ से आपको दुबई का वीजा भी देंगे, ठीक है, दुबई की टिकट भी देंगे, और दुबई से आगे फिर आपको सऊदी अरबिया की 14 दिन बाद में वहां यहाँ से आपको क्वारंटाइन, वो कोरोना की रिपोर्ट दुबई लेके जानी है। दुबई में 14 दिन रुकने के बाद फिर वहां पे आपको दोबारा मेडिकल करवाना है, दोबारा मेडिकल करवा के निगेटिव रिपोर्ट लेके आपको सऊदी अरबिया में आप पहुंच जाओगे, ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में कई लोग ऐसे ट्रिप बिठा रहे हैं कि कंपनियां मना कर रही हैं कि भाई हम, कंपनियां का ये तर्क है कि जब आप सऊदी अरबिया सीधी फ्लाइट चालू करेगी ना तब हम आपको लेंगे। भाई कंपनियों को ऐसी क्या मजबूरी है, क्या वो ऐसा बयान जारी कर सकती है, क्या फर्क पड़ता है भाई, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कान तो पकड़ा गया ना, बंदा कंपनी में पहुंच रहा है, चाहे वो दुबई देके जाए, चाहे वो अमेरिका देके जाए, चाहे दुबई इंडिया से सीधा सऊदी जाए। ऐसी बातें बिल्कुल मनगढ़ंत हैं, फेक हैं, इन बातों में ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मंत्रालय की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है, कंपनियों की तरफ से भी ऐसा नोटिस नहीं आया है। ये सिर्फ कुछ लोग ऐसी गलत अफवाहें फैला देते हैं जो कम ज्ञान होने की वजह से, बाकी कंपनियों, हाँ ये कंपनियों को आदेश दिया गया है कि भाई वर्कर आपके पास आते हैं, आप काम पे रखें या न रखें वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा, सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। फिलहाल की न्यूज तक मैंने बता दिया, अगर आप दुबई से सऊदी अरबिया में जाते हैं तो जाने से पहले कंपनी के साथ आप जरूर अटैचमेंट रहें, कंपनी यस करती है कि भी ठीक है आप आ जाओ तो जाएं, पता चले आपका लाख रुपए 50-60-70 हज़ार खर्च हो गया, वहां जाते ही कंपनी बोलती है जी काम नहीं है, जी आपको 2 महीने बैठना पड़ेगा, 1 महीने बैठना पड़ेगा, वो आपको फिर मुर्गी से महंगा मसाला पड़ सकता है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको ये बात बताई। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।